देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां यूपी के बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई बनाने की फैक्ट्री पर की छापामारी। नरसेना में बन रही थी दूषित मिठाइयां, बर्फी, रसगुल्ला, सोन पपड़ी और मिल्क केक सहित 6 खाद्य पदार्थों के लिए सैंपल जांच को भेजे। एफडीए की छापेमार कार्रवाई से मिलावटखोरों में मचा हड़कंप। वहीं छापेमारी को लेकर सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी। शिकायतकर्ता ने शिकायत में बताया था कि फैक्ट्री में गंदगी में मिठाई बनाई जा रही है। मौके पर गंदगी में तरह तरह की मिठाइयां बनती मिली। मौके से 6 सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं बेहद खराब हालत में मिल्क केक मिला, जिसे जनपद के आसपास क्षेत्रों समेत एनसीआर में सप्लाई के लिए भेजा जा रहा था, उसे मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। आगे भी लगातार छापेमार की कार्रवाई चलती रहेगी। बुलंदशहर से देवेश सिरोही की खास रिपोर्ट। सर, विभाग के द्वारा कुछ छापेमारी कार्रवाई लगातार चल रही है, जिसमें कि कल भी एक मिठाई फैक्ट्री पर छापेमारी कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई में क्या मिला और किस तरह की कार्रवाई की गई है? देखिए, नरसेना गांव के अंदर एक मिठाई बनाने का कारखाना चल रहा था और ये काफ़ी समय से था, तो इसमें शिकायत आ रही थी कि बहुत गंदगी में मिठाई बनाई जा रही है और यहाँ से ये मिठाई आसपास क्षेत्र में सप्लाई की जा रही है। टीम द्वारा जब वहाँ मौके पर छापा मारा गया तो काफ़ी गंदगी से सोन पापड़ी, मिल्क केक और बर्फी तैयार की जा रही थी। वहाँ पे हम लोगों ने सभी चीज़ों के लगभग 6 नमूने वहाँ पे एकत्रित किए हैं और नमूनों को जांच के लिए भेजा है। साथ ही कुछ मिल्क केक बहुत खराब स्थिति में था, तो उसे तत्काल नष्ट करा दिया गया। जिस तरीके से त्यौहार आने वाले हैं, तो ये कार्रवाई लगातार जारी रही? देखिए, इस तरह हम लोग सबसे पहले ऐसी जगह को चिन्हित कर रहे हैं जहाँ मिठाइयाँ बन के आसपास में सप्लाई की जाती हैं। अधिकतर ये देखा गया है जनपद में कि जो मिठाई विक्रेता हैं वो लोग के यहाँ मिठाई कम बन रही है और किसी अलग जगह से सप्लाई की जा रही है, तो ऐसी सप्लाई करने वाली जगह को हम चिन्हित कर रहे हैं और लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी।